मित्रों 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर आज यहां गारंटी बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई एक घोटाला नहीं ढूंढ सकता, घोटाला ढूंढना मुश्किल है। और कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। भाजपा के शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है, कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। इतने घोटाले किए हैं, नाम भी याद नहीं रहते भाई। ये बिपिन भाई अभी अपील करते थे कि यहां कमल खिलाइए, मैं बोलने वाला था, जरा संक्षिप्त में बोले, संकोची आदमी है थोड़े। माताओं भाइयों बहनों, इस 16 विधानसभा में 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे जयराम ठाकुर ने किया है। 108 लाख रुपयों की लागत से उप तहसील नाला का लोकार्पण किया, 11 करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीएसवाई का धीरा से देवी टीला सड़क के उन्नयन का काम शुरू किया, चिरान से थिरक सड़क 9 करोड़ रुपए से शुरू की, 4 करोड़ रुपए से फेरर से थांबा सड़क को अपग्रेड किया, धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना लाए, पठानकोट मंडी रोड 4 लेन की बनाने की परियोजना चालू कर दी, चिनार औद्योगिक क्षेत्र देहरा विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हो रहा है, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया, और कांगे पेयजल परियोजना 300 करोड़ की लागत से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू किया। माताओं भाइयों बहनों, 1,38,000 परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया, विलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स बनाया, 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया, 450 करोड़ की लागत से सैटेलाइट पीजीआई ऊना में बनाया, बल्क ड्रग पार्क 1100 करोड़ की लागत से किया, मेडिकल डिवाइस पार्क 400 करोड़ की लागत से किया, ढेर सारे काम हिमाचल और 16 के लिए कर भारतीय जनता पार्टी ने यहां विकास का रास्ता किया है। माताओं भाइयों बहनों, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कॉमन सिविल कोड का वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी बनते ही, सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड पूरे हिमाचल में लागू पड़ जाएगा। किसानों को मोदी जी जो 6000 रुपया भेज रहे हैं, उसमें छोटे किसानों को 3000 रुपया और राज्य सरकार देगी, सेब की पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी को 12% तक सीमित कर दिया जाएगा, राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों की जांच होगी,